तो हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग खुश होंगे और अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। आज की ये वीडियो दोबारा बहुत कमाल, इंटरेस्टिंग और ख़ास होने वाली है आप लोगों के लिए। और ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो है हम लोग एक कमाल के डोमेन नेम एक्सटेंशन को जो है डिटेल में रिव्यू करेंगे। और ये डोमेन नेम एक्सटेंशन के अंदर आपको दो पॉपुलर डोमेन नेम का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। जी हाँ, दो पॉपुलर डोमेन नेम्स के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में हम खैर आगे चल के तो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बनती है उन लोगों के लिए जो हमारे चैनल पे नए आए हैं विजिटर्स, उनका बताना जरूरी है कि हमारे चैनल पे क्या होता है। तो हम जो है अपने इस चैनल पे डोमेन नेम एक्सटेंशंस को डिटेल्ड में रिव्यू करते हैं, समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं और बताते हैं कि इस टाइप के डोमेन नेम आपके लिए कितने ज़्यादा बेटर होंगे। और इसके अलावा हॉस्टिंग के भी रिव्यूज़। सवाल ये बनता है कि इस टाइप के डोमेन नेम एक्सटेंशंस को रिव्यू करने की ज़रूरत क्या है और इस चीज़ की नीड क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि आज के टाइम पे कंटेंट की मार्केटिंग जिस तरीके से बढ़ रही है, लोगों के सामने ऑप्शंस तो हैं, लोगों को पता है पॉपुलर डोमेन नेम्स क्या हैं। लेकिन इसके अलावा जो आगे के जो बहुत सारे डोमेन के ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं, कंटेंट्स के हिसाब से मॉडिफाई हो चुके हैं, तो सवाल ये बनता है कि उसको लेना ठीक होगा या नहीं होगा, या फिर कोई प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो बेसिकली जो वीडियो का मेन कंटेंट है वो हमारा ये होता है कि जिस टाइप के डोमेन नेम एक्सटेंशन को हम लोग बात बताते हैं, इस टाइप के डोमेन नेम एक्सटेंशन को आप लोग कम कीमत में, बेस्ट वैल्यू में कहाँ से परचेस कर सकते हो, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। और वीडियो में अगर बात करें कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस डोमेन नेम एक्सटेंशन की बात करने वाले हैं, तो उसका नाम है .in.net। जी हाँ, मैंने कहा था वीडियो के शुरुआत में दो पॉपुलर डोमेन नेम्स को मैं कंबाइन करके बता रहा हूँ, तो ये है .in.net। तो .in.net डोमेन नेम एक्सटेंशन को हम लोग डिटेल्ड में करेंगे रिव्यू, समझाएंगे कि इस टाइप के डोमेन नेम एक्सटेंशन को लेने के बाद आप किस टाइप की वेबसाइट्स बना सकते हो, कंटेंट कैसे आप पब्लिश करोगे इसके ऊपर। इसके अलावा इसी से जुड़े सवाल आते हैं कि गूगल की सर्च रैंकिंग कितनी बढ़िया देखने को मिलेगी आप लोगों को। और इसके अलावा अगर आप .in.net जैसे साइट को बनाते हो, अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हो, काम करते हो और चाहते हो कि ऐसी साइट आपकी मोनेटाइज्ड हो जाए, तो क्या आपको गूगल एडसेंस से अगर आप चाहते हो तो अप्रूवल मिलेगा या फिर कोई इशू फिक्स करनी पड़ेगी। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों के ऊपर बात होगी। और वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग .in.net डोमेन नेम को कम कीमत में और बेस्ट वैल्यू में कहां से परचेज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी हमारे चैनल पे नए लोग आए हैं, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और कोई भी सवाल हो डोमेन नेम या हॉस्टिंग से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट्स में अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। सवाल अगर रेयर हुआ तो एक से दो दिन के अंदर डेडिकेटेड वीडियोस भी आ जाएगी इसके ऊपर, क्योंकि आप लोगों की हेल्प से मुझे अच्छा लगता है। और बेसिकली प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे .in.net डोमेन नेम एक्सटेंशन की, और इसको जाँचने के लिए हमें जाना पड़ेगा ब्राउज़र में, क्योंकि यहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बेसिकली बात करते हैं कि .in.net जो डोमेन नेम है ये किस टाइप का डोमेन नेम है। तो देखो, ये आपको पता है कि दो पॉपुलर डोमेन नेम का जो है कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है .in.net, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ बात करते हैं तो .in.net डोमेन नेम लेने के बाद आप जो है किस टाइप की साइट या कंटेंट बना सकते हो। देखो, पॉपुलर डोमेन नेम का दो कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो साइट का और कंटेंट तो आपके पास पूरे असीम अपार है, बिल्कुल अनलिमिटेड है। आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आपको किस कौन से निश को पकड़ना है और उस निश पे आपको काम करना है। इंडिविजुअल क्रिएटर के तौर पे बताया ये मैंने। अगर आप बिजनेस मॉड्यूल से सोचे तो आप इसको बिजनेस मॉड्यूल के तौर पे भी ले सकते हो। जैसे आज के टाइम पे एक और डोमेन नेम फेमस है .co.in, तो .in.net या फिर बात करें .in की, तो आप कर सकते हो इस चीज़ से। .in.net आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आने वाले टाइम पे भी। अब इसके अलावा बात करते हैं कि .in.net डोमेन नेम को लेने के बाद हमने साइट भी बना ली, कंटेंट भी बना लिया, तो गूगल की सर्च रैंकिंग हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब गूगल पे सर्च होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा ऐसे साइट को मोनेटाइज करना चाहें गूगल एडसेंस से तो क्या होगा, तो ये वाली बात मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, वो सारे क्वेश्चन मैं फिक्स करूंगा। बट फिलहाल की अगर बात करते हैं तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि वो कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग .in.net डोमेन नेम को कम कीमत में, बेस्ट वैल्यू में परचेस कर सकते हो। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ, और ये हमारा URL पे ही हम लोग। और मैं आपको बता देता हूँ अगेन कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना कोई लिंक ना कोई प्रोमो कोड, ये जस्ट मेरी सजेशन, मेरी रिकमेंडेशन है। मैंने यहाँ से काफ़ी सारे जो है डोमेन नेम को खरीदा है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए भी शायद से ये बेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ इसका नाम है hostinger.in, शायद जानते होंगे बहुत सारे लोग। hostinger.in डालोगे तो hostinger के ऑफिशियल वेब पेज पे आ जाओगे आप लोग, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा सा वेट करोगे तो पूरे इसके ऑप्शन भी रिलोड हो जाएंगे। इसके बाद हॉस्टिंग ईमेल डोमेन दिख रहा है, डोमेन पे क्लिक करोगे, डोमेन चेकर का यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको। डोमेन चेकर वाले वेब पेज पे जब यहाँ पे आ जाओगे तो थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही आप लोग थोड़ा सा वेट करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप इन दैट परफेक्ट डोमेन, तो hostinger का यहाँ पे सर्च बार आता है, तो यहाँ पे
क्लिक करके जो है आपको अपना डोमेन नेम सर्च कर लेना है। मैं एक बात हमेशा कह रहा हूँ और अभी भी कहूँगा कि कभी भी आप लोग जो अपने वेबसाइट के लिए डोमेन नेम लेने जाओ, वहाँ पे आपको वेबसाइट का टाइटल ऐसा देना है जो आपके वेबसाइट के पूरे कंटेंट को स्पेसिफाई कर सके। कहने का मतलब है कि बहुत कम कीवर्ड में कोशिश करना, दो शॉर्ट कीवर्ड में पूरी वेबसाइट का डोमेन सहित आप ले लो, क्योंकि आपके वेबसाइट का जो एड्रेस है वो डोमेन नेम होता है और आपकी पूरी वेबसाइट का जो ब्यौरा है वो आपका वेबसाइट का यूआरएल बताता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से करनी है क्रिएटिव तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ एस डब न्यूज़, ठीक है, और जैसे हमारा डोमेन नेम है .in.net, ये डाल के हमने किया यहाँ पर सर्च, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो sdubnews.in.net इज़ अवेलेबल, 435 रुपीज़ के हिसाब से हमें पे करना पड़ेगा। और सही में .in की प्राइस भी अभी यही चल रही है, 435-500 में आपको मिल जाता है। तो 435 रुपीज़ पर ईयर आपको पे करना पड़ेगा। ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना है और वेट करना है, तो कंटिन्यू कार्ट का ऑप्शन आता है। कंटिन्यू कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक बात मैं हमेशा कहूँगा कि यहाँ पे जब भी, सिर्फ इसकी नहीं, जब भी आप किसी भी डोमेन नेम एक्सटेंशन को परचेज करने जाओ तो वहाँ पे आप जो है मिनिमम 3 साल के लिए किसी डोमेन नेम को लो और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए। और ये बात मैं किस लिए कहता हूँ कि जब भी आप लोग किसी भी डोमेन नेम को लेते हो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय के लिए, तो उससे होता क्या है कि जो आपकी रिन्यूअल फ़ीस है उसमें आपको पहले तो बचत देखने को मिल जाती है, फ़ीस में आपको बहुत जो है हाईली जो है यहाँ पे आपको क्रॉसिस जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है फ़ीस पे। और दूसरी बात ये होता है कि क्या पता नेक्स्ट ईयर डोमेन नेम और महंगा हो जाए जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो देख सकते हो sdubnews.in.net इज़ अवेलेबल, 1 साल के लिए आपको पड़ेगा 435 का और यहाँ पे GST वगैरह लगाकर 529 की ये आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये है ऑर्डर समरी की बात करें तो ये तो मेरी वीडियो है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन किसी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर की वीडियो से जाते हो जो कि स्पॉन्सर वीडियो देता है, मतलब होस्टिंगर का प्रमोशन कर रहा होगा वो, तो ध्यान से देखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक और मिलेगा साथ ही साथ एक प्रोमो कोड या कूपन कोड। तो उस कूपन कोड को जब आप यहाँ से शॉपिंग करो तो यहाँ पे जब डालोगे और ऐड पे क्लिक करोगे तो शायद आपका वो जब कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा तो ये जो टैक्स की फ़ीस है शायद ये कट जाए, या फिर जब आप नेक्स्ट शॉपिंग करोगे तो उस पर आपको जो है कम पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ फ़ायदा हो जाता है कूपन कोड को डालने का। और दूसरा यहाँ पे अगर बात करते हैं पेमेंट मेथड्स की, तो इन तरीकों से आप लोग जो है पेमेंट कर सकते हो। और ये हमने फाइनली बताया कि आप लोग .in.net को कैसे खरीद सकते हो होस्टिंगर के ज़रिए। सवाल पे वापस से आ जाते हैं, जो आती है बात सर्च गूगल रैंकिंग की। तो देखो, गूगल रैंकिंग आपके डोमेन नेम एक्सटेंशन पे बहुत कम डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट का काम कैसा है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट कैसा है और कितना ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन कितना बढ़िया है। देखो, एक चीज़ समझ लो कि आपकी वेबसाइट जो है किसी तरह की ट्रिक्स पे काम नहीं करती है, जस्ट आपके काम पे वो डिपेंड करता है। जितना अच्छा काम हो है, लोग उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, चाहे बिजनेस मॉडल से देख लो चाहे इंडिविजुअल क्रिएटर के तौर पे। तो अगर साइट का इंटरेक्शन बढ़िया बनाना है तो इस हिसाब से गूगल रैंकिंग ऑटोमेटिक बढ़ेगी, कोई आपको दिक्कत की बात नहीं लेनी है। और लास्ट की बात अगर करते हैं कि साइट मोनेटाइज विद गूगल एडसेंस, तो बिना किसी इशू के साइट मोनेटाइज हो जाएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको गूगल एडसेंस की सारी पॉलिसीज़ को अंडर फॉलो में करते हुए उसकी सारी पॉलिसीज़ को ध्यान में रखकर कंटेंट्स क्रिएट करने हैं, बस बिना किसी दिक्कत के, तो आपका सारा काम बन जाएगा।